चंद्रमा पर एक प्राचीन विदेशी सभ्यता की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रतिमान परिवर्तनकारी घटना होगी जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ इसमें हमारे स्थान और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता को हमेशा के लिए बदल दिया है इस तरह की खोज के निहितार्थ विज्ञान के दायरे से कहीं आगे तक फैलेगे जो समाज दर्शन और अस्तित्व और ब्रह्मांड पर हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगे सबसे पहले चंद्रमा पर एक प्राचीन विदेशी सभ्यता के अस्तित्व की पुष्टि करना ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और विकास की हमारी वर्तमान समझ को मौलिक रूप से चुनौती देगा कलाकृतियों संरचनाओं या पिछले बुद्धिमान जीवन के किसी भी सबूत की खोज पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी इससे पता चलता है कि जीवन बुद्धि और तकनीकी प्रगति हमारे ग्रह के लिए अद्वितीय नहीं हो सकती है लेकिन हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में कहीं और मौजूद हो सकती है प्राचीन विदेशी सभ्यता द्वारा छोड़े गए तकनीकी अवशेष या संरचनाएं अमूल्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगी उनकी कलाकृतियों का अध्ययन सामग्री विज्ञान इंजीनियरिंग और खगोल भौतिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्रदान कर सकता है एक उन्नत अलौकिक सभ्यता की प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों को समझना मानवता को आगे बढ़ा सकता है संभावित रूप से हमारी अपनी तकनीकी क्षमताओं और वैज्ञानिक समझ को कई गुना बढ़ा सकता है इसके अलावा चंद्रमा पर एक प्राचीन विदेशी सभ्यता की खोज से ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में वैश्विक आकर्षण और जिज्ञासा जगेगी यह अंतरिक्ष अन्वेषण में पुनर्जागरण को प्रेरित करेगा अलौकिक जीवन या बुद्धिमत्ता के और सबूतों की तलाश में हमारे सौर मंडल में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का पता लगाने के लिए महत्वाकांक्षी मिशनों को बढ़ावा देगा ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान में सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और निवेश में वृद्धि होने की संभावना है ऐसी खोज का सामाजिक प्रभाव गहरा होगा ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान बुद्धि की प्रकृति और ब्रह्मांड की विशालता और विविधता के बारे में हमारी समझ के बारे में दार्शनिक बहस को प्रेरित करेगा जैसे जैसे लोग एक उन्नत विदेशी सभ्यता की खोज के निहितार्थों से जूझ रहे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं इस खोज से हमारे नैतिक और नैतिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है जिससे ब्रह्मांड में जीवन के अन्य रूपों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी पर सवाल उठ सकते हैं इसके अलावा ये खोज मानवता के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दे सकती है यह एहसास कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और बुद्धिमान जीवन कहीं और मौजूद है वो राजनीतिक सीमाओं और मतभेदों को पार करते हुए एक एकीकृत एक शक्ति के रूप में काम कर सकता है ये साझा चुनौतियों का समाधान करने और एक साथ ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिक सहकारी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित कर सकता है हालांकि चंद्रमा पर एक प्राचीन विदेशी सभ्यता की खोज से नैतिक विचार और संभावित जोखिम भी बढ़ेंगे यह मौजूदा सामाजिक मानदंडों और मान्यताओं को चुनौती दे सकता है जिससे कुछ लोगों के लिए अनिश्चितता और चिंता पैदा हो सकती है किसी प्राचीन सभ्यता के साथ संपर्क या बातचीत कैसे की जाए यदि कोई अवशेष बचा है तो अनपेक्षित परिणामों या व्यवधानों से बचने के लिए इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी संक्षेप में चंद्रमा पर एक प्राचीन विदेशी सभ्यता की खोज मानव इतिहास में एक युगांतकारी क्षण होगी जो हमारी वैज्ञानिक समझ सामाजिक दृष्टिकोण और अस्तित्व संबंधी दृष्टिकोण को नया आकार देगी यह मानवता को ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में अन्वेषण सहयोग और चिंतन के एक नए युग में ले जाएगा जो हमें हमारी दुनिया से परे मौजूद विशाल संभावनाओं और रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करेगा